अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी हम सॉल्व करेंगे क्रिएटिव राइटिंग की सेकंड एक्सरसाइज। ड्यू डेट आपके सामने है और इंस्ट्रक्शंस वही हैं जो हमारे पास होती हैं। इस पे जो इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लर्निंग आउटकम है कि किस तरह से आपने एक रिपोर्ट लिखनी है जो आपको टॉपिक दिया जाएगा, और रिसर्च किस तरह से की जाती है। इन शॉर्ट आपको बताऊं तो एक बंदा जो है क्रिएटिव राइटर जो होता है वो किस तरह से सोचता है, किस तरह से डाटा जो है वो रिसर्च करता है, किस तरह से उसको मर्ज करता है और गैदर करता है, और एट द एंड जो है वो अपना प्रोड्यूस करके कोई भी चीज़ देता है। ठीक है, उसके बाद है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें आपको टॉपिक दिया हुआ है इफेक्ट ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर ऑन द फूड क्राइसिस, इन्फ्लेशन रेट एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ऑयल गैस एंड कोल ग्लोबली। ये आपका टॉपिक है, उसके एक्सप्लेन थ्रू ग्राफ्स हाउ दिस वॉर अफेक्टेड, और ये आपने ग्राफ के थ्रू बताना है कि किस तरह से ये अफेक्ट हुआ था फूड क्राइसिस, इन्फ्लेशन रेट और रिन्यूएबल एनर्जी, तब जब इन दोनों कंट्रीज़ की वार हुई थी। ठीक है, और आपने रिपोर्ट लिखनी है विद इन 450 to 500 वर्ड्स। उसके बाद आपने क्या करना, जब आप रिपोर्ट लिख लें तो वो आपने प्लेजरिज्म जो है वो चेक करना है बाय यूजिंग प्लेजरिज्म डिटेक्टर और डुप्लिक चेकर के जरिए। ठीक है, उसके बाद है टास्क आपके पास क्या है, रिसर्च द टॉपिक एक्सटेंसिवली। सबसे पहले आपने टॉपिक रिसर्च करना है, वो आप डिफरेंट सोर्सेज से कर सकते हैं, गूगल जहाँ से भी आपने करना है। उसके बाद है जियोग्राफिकल डाटा आपने इकट्ठा करना है जहाँ से ये एक्सप्लेन करे कि वट आर द कंडीशंस बिफोर द वॉर एंड आफ्टर द वॉर। उसके बाद है आपने एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना है 3 to 4 लाइन्स का। उसके बाद आपने जो ग्राफ्स हैं उसको कलेक्ट करना है और उसको मेंशन करना है इसके अंदर जो आप लिख रहे होंगे रिपोर्ट्स। उसके बाद आपने क्या करना है, कंक्लूजन लिखनी है जो भी आपने सर्च आउट किया, और उसके बाद मिस्टेक आपने चेक करनी है ग्रामरली से, और डुप्लीकेट चेक करना, और उसका स्क्रीनशॉट आपने एट द एंड पेस्ट करना, और कोई प्लेजरिज्म जो होना चाहिए। गाइडलाइन आपके सामने है 74 to 79 वीडियोज़, आप देख सकते हैं बिफोर अटेम्प्टिंग अगर आपको रिपोर्ट लिखना नहीं आती है। उसके बाद आपने कॉपी नहीं करना, उसके बाद आपने कोई भी AI जनरेटेड टूल यूज़ नहीं करना, किसी का भी कॉपी करेंगे तो यू गेट 0 मार्क्स। उसके बाद है किस तरह से ये सबमिट कराते हैं, ये आपने वहाँ पे बताना है। ठीक है, और क्या नाम लेते हैं, क्या नाम पता नहीं। और अब हम चले जाते हैं अपने फॉर्मेटिंग पे। इस तरह से आपने इसको जो है वो सेलेक्ट कर लेना, और इसको आप कहीं भी गूगल स्कॉलर पे या गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा। देख लेते हैं अभी हमारे सामने रिज़ल्ट आता है कि नहीं। गूगल स्कॉलर हमने ओपन कर लिया, यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं अपना टॉपिक, और इसके सामने हमने कोई रिज़ल्ट जो है वो हमें नहीं दिखा रहा है, तो हम दूसरे ब्राउजर्स में चले जाते हैं। वहाँ से अगर हमें कुछ पता चल गया वहाँ से हम कुछ डाटा देख लेंगे। आपने इसी तरह से देखना, ठीक है। ये हम आ गए अपना माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र है ये, तो इसको हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ से आपको डिफरेंट चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं, साइट पे आपको नज़र भी आ रहा है। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग बिफोर द वॉर, हाउ द रशियन वॉर में इम्पैक्ट द वर्ल्ड्स फूड, ये सारा कुछ आप गैदर कर सकते हैं। इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर, इम्पैक्ट ऑफ यूक्रेन वॉर ऑन फूड, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने उसके अंदर बतानी है। यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें जो है वो आप पिक करेंगे और चीज़ों को आगे पीछे करेंगे। अरेंजमेंट आपको करनी आनी चाहिए ताकि आपका जो है वो ना आए कॉपीराइट, और सॉरी प्लेजरिज्म ना आए। ठीक है, उसके बाद ये गूगल पे देख लेते हैं, गूगल पे आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। ये जो है साइंस डायरेक्ट, ये वेबसाइट है, इसके ऊपर आप कोई भी टॉपिक अगर लिखेंगे वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ्स वगैरह भी उन्होंने बताए हुए हैं, तो वो ग्राफ्स जो है वो भी आप यूज़ करके जो है मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ, ये ग्राफ है ये आप यूज़ कर सकते हैं, एंड दीज ग्राफ्स आर जो है वो आप अपने रिपोर्ट में यूज़ करें पढ़ के। ठीक है, तो बाकी हम देख लेते हैं। मैंने रिपोर्ट पहले से लिख के रखी है, क्योंकि अगर लिखते तो बड़ा टाइम लगा, 3 to 4 लाइन्स किया। उन्होंने कहा था इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना, तो वो हमने लिख दिया।
इसको आपने ठीक है जी, ये हमारा जो था डिसीजन मेकिंग तक यहाँ तक ही था। और स्क्रीन शॉट आपने प्रोवाइड कर देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं जो है उसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। आपको जो लिंक्स तो मिले थे उसको आप राइट क्लिक करके ओपन लिंक न्यू टैब पे जाएंगे तो आपके पास लिंक जो है वो ओपन हो जाएगा। जब वो आपके पास ओपन हो जाए तो आप जो है वो उसके ऊपर ये सारी कॉपी पेस्ट करें, और कॉपी पेस्ट करने के बाद आपके पास जो भी रिजल्ट आएगा उसका आप लें स्क्रीन शॉट बाई यूजिंग स्निपिंग टूल और बाई यूजिंग शॉर्टकट कीज। तो आपका जो है वो उसने जो भी स्क्रीनशॉट आएगा उसको आप पेस्ट करेंगे एट द एंड। अगर आपका ज़ीरो स्क्रीनशॉट मतलब ज़ीरो प्लेजरिज्म आता है तो वो आपका बेस्ट है। उसके बाद अगर कोई आ जाता है आपका प्लेजरिज्म 1% या 2%, तो उसको आप चेक कर लें उन वर्ड्स को और उसको चेंज कर लें, ठीक है। उसे गूगल से देख लें कि उसके अल्टरनेटिव वर्ड्स क्या हैं और उससे उसके सिनोनिम्स क्या हैं, तो आपको जो है वो इतनी मुश्किल नहीं होगी। और ये सारी चीज़ें वो आप देख लीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।